हे गाइस, वेलकम टू रईस एकेडमी। और आज हम ICR के बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें एक रॉड दी गई है जो कि स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, मतलब कि फ्रिक्शनलेस, और ये 20 डिग्री पे टिल्ट है। और उसकी हमें AB की लेंथ दी हुई है 3 mm, और वेलोसिटी एट है 5 m/s दी हुई है। तो हमें ICR फाइंड आउट करने का है और वेलोसिटी एट B फाइंड आउट करने का है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि B जो है ना स्मूथ सरफेस है, तो ये इस तरफ मूव होएगा और ये नीचे की तरफ मूव होएगा। तो ये केस वन हमारा आता है। तो अभी हम देखिए, हम इस इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी एक B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मैं स्केल यूज़ कर लेता हूँ, फ्री हैंड भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और मैं यहाँ से इसको जहाँ पे ये मीट होएगा हमारा दोनों परपेंडिकुलर, वो हमारा ICR होगा, उसको हम I से डिनोट करेंगे। तो हमें देखिए लेंथ भी पता चाहिए, ये हम IB जो है इसको हम नेम कर देते हैं IB और IA। तो अब ये देखिए अब हमें क्या करना है कि जितने भी एंगल्स हैं सभी को हमें फाइंड आउट करने का है। तो अभी आप देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये पैरेललोग्राम का अगर हम लॉ लगाते हैं तो ये 180 डिग्री पूरा होएगा, तो बचा कितना, ये 150 डिग्री। ओके, तो ये देखिए 150 डिग्री और 20 डिग्री, तो बचा कितना, 10 डिग्री। तो ये 10 डिग्री हो गया। तो ये देखिए अभी ये परपेंडिकुलर है, ओके, बी ये जो हमने लाइन बनाई है, तो ये 20 डिग्री है, बचा कितना, 70 डिग्री। ओके, इसी तरह से एट पॉइंट ए हमारा बचा 80 डिग्री। तो अभी देखिए 70 और 80 डिग्री, बचा फिर कितना, 30 डिग्री। तो इस तरह से हमने सारे एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमें साइन रूल हम ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम साइन रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग साइन रूल। तो अभी आप देखिए, हम सबसे पहले 30 डिग्री लेंगे, तो दैट इज साइन 30। तो उसके अपोजिट क्या है, 3, तो 3 mm। ओके, उसके बाद हम 70 डिग्री लेते हैं, तो साइन 70 डिग्री, तो उसके अपोजिट क्या है, IA, तो हम IA लिखेंगे। उसके बाद हमारा बचा साइन 80 डिग्री, उसके अपोजिट क्या है, IB, तो ये हमारा साइन रूल अप्लाई हो गया। अब देखिए हम इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो उससे हमारी IA की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम इसको कैलसीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 अपॉन साइन 30, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर अल्फ़ा इक्वल टू, सॉरी, अल्फ़ा इक्वल टू, फिर से हम अल्फ़ा वेरिएबल को, एक वेरिएबल यूज़ करेंगे एक्स, फिर साइन 70, और हम शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो हमारा आंसर आया 5.638। तो मैं 5.64 लूँगा, ओके, अप्रॉक्सीमेटली। अब हमारा IA हो गया, तो हम इसी तरह से IB भी सॉल्व करेंगे। तो साइन 30 इक्वल टू IB, हम वेरिएबल देंगे x अपॉन साइन 80, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो हमारा आंसर आया 5.908। तो हम 5.IB91 ले गए, सॉरी 5.91। तो ये हमारा IA और IB हो गया। अब हम V इक्वल टू RMA का फार्मूला लगाएंगे। तो अगर हम पॉइंट A पे बात करेंगे जो IA है, तो उस पर हमारा वेलोसिटी क्या आएगी, VA आएगी, और रेडियस जो है IA आएगा, और ओमेगा हमारा, ये देखिए इधर जो है ना हमारा ओमेगा AB होता है रोटेशन वाला है, तो इसकी वजह से वेलोसिटी, तो हम इधर ओमेगा AB लगाएंगे। तो अभी देखिए हमें VA ऑलरेडी गिवन है, तो ये 5 हो गया, IA हमने पता कर लिया है 5.64, और ओमेगा हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी देखिए ओमेगा ये भी इधर आया, तो क्या आएगा, 5.64। तो हम इसको कैलसीफाई सॉल्व करेंगे,
5 अपॉन 5.64 इक्वल टू 0.886। हमारा आंसर आएगा 0.886। तो ये हमारा ओमेगा ए बी हो गया मीटर पर रेडियस, और इसका हमारा डायरेक्शन यही रहेगा। ओके, अब हम एट पॉइंट ए की बात कर लिया। अगर हम आई बी की बात करेंगे, ये हमारा फर्स्ट हो गया हमारा पॉइंट। अगर आई बी की बात करें तो वहाँ पे हम अगर फॉर्मूला लगाते तो हमारा आएगा वी बी अपॉन इक्वल टू आई बी इंटू ओमेगा ए बी। तो हमारा वी बी हमें फाइंड आउट करने का है, हमें ये आई बी दिया हुआ है और ओमेगा ए बी की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 5.91 इंटू आंसर। तो हमारा आंसर आया 5.239। तो मैं 5.24 लूँगा, 5.2224। तो ये हमारी वी बी की वैल्यू हो गई जो कि हमें फाइंड आउट करना था, और हमने आई सी आर भी लोकेट कर लिया। थैंक यू फॉर